अच्छा बच्चों, आज हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक क्या है? पीछे हमने ये पढ़ा था कि जब हम कैपेसिटर्स की प्लेट्स के दरमियान डाइलेक्ट्रिक को प्लेस कर देते हैं तो उससे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ जाती है। देखना ये है कि जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करते हैं दो प्लेट्स के दरमियान तो फिर किस तरह से कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ेगी। सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है क्या। देखें, ये आपके पास एक प्लेट है, ये हमारे पास एक प्लेट है। सपोज करते हैं कि ये हमारे पास एक पॉजिटिव प्लेट है। इसी तरह से दूसरी आपके पास प्लेट है, ये आ गई आपके पास दूसरी प्लेट और ये आपके पास हो गई नेगेटिव प्लेट। ये पॉजिटिव प्लेट आ गई, ये आपके पास नेगेटिव प्लेट आ गई। तो हम ये कहते हैं कि जब हम कैपेसिटर्स की प्लेट्स के दरमियान कोई इलेक्ट्रिक प्लेस कर देते हैं तो उस डाइलेक्ट्रिक के प्लेस करने से कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। तो देखना ये होगा कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस किस तरह से बढ़ती है। बात ये है बच्चों की, कोई भी डाइलेक्ट्रिक है, उस डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं वो? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब ये है कि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की मात्रा क्या होगी? इक्वल होगी। ठीक है, आमतौर पर हम ये कहते हैं कि वो डाइलेक्ट्रिक के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर्स आपस में मिले हुए होते हैं। तो जैसे ही उस डाइलेक्ट्रिक को हम कैपेसिटर्स की प्लेट्स के दरमियान प्लेस करेंगे तो उस सूरत में कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ेगी। किस तरह से बढ़ेगी उसकी तरफ आने से पहले हम इस इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन करते हैं। तो पहले ये देखते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होगी। When dielectric placed between plates of capacitor, जब आपने क्या काम किया, capacitors की plates के दरमियान dielectric को place किया, तो हुआ ये कि ये जो negative होगा ये इस positive की तरफ चला जाएगा, ये जो positive होगा ये इस negative की तरफ चला जाएगा attraction की वजह से। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ये एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डिस्प्लेस हो जाएंगे। और हमने तो ये पढ़ा था ना, ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो अट्रैक्शन तो है, लेकिन ये जो आपके पास पॉजिटिव प्लेट है ये तमाम नेगेटिव को और ये जो नेगेटिव है तमाम पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेंगे। उस सूरत में हुआ ये, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे से दूर दूर हो गए और ये बन गए डायपोल्स। क्या बन गए? डाइपोल्स। ठीक है, तो डाइपोल्स क्या होगा इसकी डेफिनेशन? व्हेन डाइलेक्ट्रिक प्लेस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर डाइपोल्स प्रोड्यूस होंगे। डाइपोल्स क्या होता है इसकी डेफिनेशन करते हैं, व्हेन टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस दे फॉर्म डाइपोल्स। ठीक है, जब दो इक्वल चार्जेस, मैग्नीट्यूड दो चार्जेस का इक्वल है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, जब ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे तो क्या बनाएंगे? डाइपोल्स। डाइपोल्स का मतलब दो एंड, एक एंड पर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज और दूसरे एंड पर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से डाइपोल्स बन गए। अब वो जो मॉलिक्यूल, वो जो डाइलेक्ट्रिक आपने प्लेस किया है, अब उस डाइलेक्ट्रिक को ये कहेंगे डाइलेक्ट्रिक इज सेड टू बी पोलराइज्ड। पोलराइज्ड वो जो आपने डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया है वो क्या हो गया है? पोलराइज्ड हो गया है, डाइपोल्स बन गए हैं उनके अंदर। तो इस डाइपोल के बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं पोलराइजेशन। सच प्रोसेस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? पोलराइजेशन पढ़ेंगे। ठीक है, पोलराइजेशन कहेंगे कि जब हमारे पास दो इक्वल ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे, डाइपोल्स बनाएंगे, वो जो डाइलेक्ट्रिक है वो पोलराइज्ड हो जाएगा। डाइपोल्स के बनने का जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहेंगे? पोलराइजेशन कहेंगे। इस प्रोसेस को हम पोलराइजेशन कहेंगे। अब इफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन क्या है हमारे पास? इफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन ऑन कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ
कैपेसिटर, हम ये देखते हैं कि जो पोलराइजेशन हुई है, वैसे तो हमने सिंपल कह दिया था ना कि जितनी उस डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू होगी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जितनी वैल्यू होगी, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस उतने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। तो अब देखना ये है कि इसका इफेक्ट क्या होता है, आखिर ऐसा कौन सा प्रोसेस होता है इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर जिसकी वजह से कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। अब ये देखें कि आपके पास कैपेसिटर्स की प्लेट्स की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल्स क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट। अगर हम डाइपोल्स की इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, कैपेसिटर की प्लेट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड तो है पॉजिटिव से नेगेटिव, और डाइपोल्स की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, वो भी पॉजिटिव से नेगेटिव होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होगी, लेकिन आपके पास जो डाइपोल्स की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आप देखें कि कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट है, कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट है। तो अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं यहां पे, अफेक्टिव या नेट, इसको आप अफेक्टिव कह दें, अफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं देखता हूं या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मैं देखता हूं, तो आपके पास कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो गई, और डाइपोल कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और डाइपोल्स की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको हम ई डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो आपके पास अफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस कैपेसिटर्स की प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंस होगा, क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो यकीनन ये ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड है, डाइपोल्स की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ऑपोजिट। तो ये ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करेगी, कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगी, रिड्यूस करेगी। तो यहां से हम स्टार्ट लेते हैं, सबसे पहले अफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड, अफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर डिक्रीज। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कैपेसिटर्स की प्लेट्स के क्रॉस अब क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कम हो जाएगी। हमने ये पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये वाली रिलेशन, E इज इक्वल टू डेल वी बाय डेल आर, ठीक है। यहाँ पे माइनस का भी साइन था, माइनस का साइन डिक्रीजिंग पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। डायरेक्शन की हम बात नहीं करते, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। दोनों प्लेट्स के दरमियान अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वी, दोनों प्लेट्स के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वी, और दोनों प्लेट्स के दरमियान का जो सेपरेशन है वो है डी, सेपरेशन क्या है, डी। तो हम डेल वी की बजाय यहां पर लिखेंगे वी, डेल आर की जगह पे हम यहां पर लिखेंगे डी। तो यहां से आप वी निकालें तो वी इज इक्वल टू ई डी, वी किसके बराबर हो जाएगा, ई डी के बराबर हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है तो इसका क्या मतलब होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कम होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल यहां पे दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसी हिसाब से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी आल्सो डिक्रीज, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी डिक्रीज हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कम हो गया। अब ये रिलेशन हमने पढ़ा है Q इज इक्वल टू सी वी वाला, और कैपेसिटेंस की बात करें तो C इज इक्वल टू Q ओवर V, C किसके बराबर है, Q ओवर V। तो कैपेसिटेंस और पोटेंशियल ये आपस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कैपेसिटेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी, तो अगर V डिक्रीज हुआ है सो हेंस कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इंक्रीज, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इंक्रीज। तो इस तरह से पीछे हमने कहा था कि जब कैपेसिटर्स की प्लेट्स के दरमियान हम कोई डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर देते हैं तो डाइलेक्ट्रिक प्लेस करने से कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। तो अब हमने ये सीखा है कि जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करते हैं तो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का प्रोसेस होता है, पोलराइजेशन टेक प्लेस होता है, डाइपोल्स बनते हैं, उनकी वजह से एक ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट होती है, जो कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस कर देती है। जब कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होती है, डिक्रीज होती है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी कम कर देती है।
जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होगा तो उससे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है,